नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मिस्टर बॉक्स ऑफिस वाला में। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आयुष्मान खुराना की अपकमिंग फिल्म ड्रीम गर्ल के दूसरे पार्ट के बारे में, जिसकी हालिया में नई रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। जैसे कि आप सबको पता है कि 2020 में फिल्म का पहला पार्ट आया था और उस फिल्म में थी नुसरत भरूचा, लेकिन इस पार्ट में होने वाली है अनन्या पांडे। और अनन्या पांडे को हमेशा से उसकी एक्टिंग की वजह से ट्रोल किया जाता है, जैसे कि इसके टीजर को भी किया गया था। बाकी दोस्तों, अनन्या पांडे के आने के बाद क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल पाएगी या नहीं चल पाएगी, ये तो जब फिल्म रिलीज होगी तभी बता पाऊंगा। अब बात करता हूं फिल्म की नई रिलीज डेट के बारे में, जो कि अनाउंस कर दी गई है। फिल्म की नई रिलीज डेट है 7 जुलाई 2023। पहले इस मूवी को 29 जून 2023 को रिलीज करना था, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट को चेंज करके 7 जुलाई 2023 कर दिया गया है। अब देखना ये होगा कि ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर कितना कमाल करती है, क्योंकि इसके पहले पार्ट ने तो काफी अच्छी कलेक्शंस की थी, लेकिन दूसरे पार्ट से और भी ज्यादा उम्मीद बढ़ गई है। आपकी इसके बारे में क्या राय है? आपको क्या लगता है कि क्या मेकर्स का ये फैसला सही है अनन्या पांडे को लेने का? आप अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।